हेलो गाइज, आइए बात कर लेते हैं आज की कुछ लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो थर्ड काउंसलिंग 69,000 शिक्षक भर्ती की अभी हाल में हुई है, उस काउंसलिंग के बाद कितनी सीटें रिक्त बची हुई हैं। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि चौथी सूची को जारी करने की जो मांग है वो किस प्रकार से तेज़ होने लगी है, और इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि चौथी काउंसलिंग होने की कब तक की संभावना बन सकती है। तो गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप सभी मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर अपडेट आसानी से प्राप्त होती रहे। तो गाइज, इसी प्रकार से मेरे ज्ञान दर्शन चैनल पर आप सभी बने रहें। अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि क्या अपडेट निकल कर आई है। एक ऑफिशियल वेबसाइट पर ये न्यूज़ दी जा रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों के लिए जारी हो चौथी सूची। आइए इस न्यूज़ को गौर से देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में चौथी काउंसलिंग कराने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों का कहना था कि तीसरे चरण की काउंसलिंग के पश्चात लगभग 1,000 पद रिक्त पड़े हैं, इन पदों को भरने के लिए जल्द से जल्द चतुर्थ काउंसलिंग कराई जाए। साथ ही इसमें आगे ये भी बताया जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में 3 बार काउंसलिंग हो चुकी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इसके बाद भी अभी लगभग 1,000 पद रिक्त हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा मंत्री लगातार कहते रहे हैं कि अंतिम पद भरने तक काउंसलिंग कराई जाएगी। अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव को ज्ञापन देकर तत्काल चतुर्थ काउंसलिंग कराने की मांग की है। तो गाइज, आपने देखा कि जैसे कि थर्ड काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है लेकिन अभी भी 1,000 के लगभग, या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि 700-800 पद अभी भी रिक्त बचने की उम्मीदें हैं। तो इन पर अभ्यर्थियों की मांग है कि चौथी काउंसलिंग कराकर उन पदों को भी पूरा भरा जाए। तो गाइज़, ये थी आज की अपडेट। आई होप कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी, साथ ही यूज़फुल भी लगी होगी। तो गाइज़, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट करें, साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके, ताकि इस प्रकार की शिक्षा जगत की हर अपडेट आप तक रोज़ाना पहुँचती रहे और कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। तो गाइज़, इसी प्रकार से मेरे ज्ञान दर्शन पर आप बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।